हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा किचन तड़का। आज हम बनाएंगे रसगुल्ले, वो भी जब हम मलाई से घी निकाल लेते हैं और उसका वेस्टेज बच जाता है, उसी से बनाएंगे आज हम रसगुल्ले। बहुत ही स्वादिष्ट, मुंह में घुल जाने वाले। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने मलाई ली है, 1 वीक की मलाई रखी हुई थी मेरे पास, वो ले ली है मैंने। इसे आप फ्रीजर में स्टोर कर रखें ताकि इसके अंदर स्मेल ना हो। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी मलाई के अंदर स्मेल नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर डाल दिया है बिल्कुल ठंडा फ्रिज का पानी। अब इसे आप ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, मिक्सी के जार में डालकर। और आप मेरी तरह अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर है तो इससे भी आप बहुत आसानी से घी निकाल सकते हैं। बहुत जल्दी ही इससे मलाई से घी अलग हो जाता है बीटर की मदद से, और जो वेस्टेज बचती है वो अलग हो जाती है। आप उसे अक्सर फेंक देते हैं क्योंकि आप उसे दूध की जगह भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही पतला हो जाता है। उसके अंदर हम पानी डालते हैं और दूध की क्वांटिटी कम हो जाती है और पानी की ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए आप इससे मलाई से घी अलग कर लें और देखिए घी बहुत जल्दी ही अलग हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं, ठंडे पानी के अंदर इसे निकाल लेंगे और बिल्कुल साफ कर इसे अलग से रख देंगे। और जो ये हमारी नीचे की वेस्टेज बची है, इसे फेंकने की जगह आप इससे बना सकते हैं रसगुल्ले या और भी अलग अलग तरह की मिठाई बनाकर तैयार की जा सकती है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे रख दिया है मैंने गैस के ऊपर, इसे होने देते हैं गर्म। एक बॉयल आने तक इसे गर्म होने देते हैं, हाई फ्लेम पर इसके अंदर बॉयल आने देते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको रेसिपी पसंद आए, आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। ये देखिए हमारा दूध में बॉयल आ चुका है, गैस को ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है विनेगर, जो वाइट विनेगर होता है सफ़ेद सिर का, उसके अंदर मैंने डाल लिया है आधा कटोरी पानी में 2 से 3 चम्मच डाल दिया है मैंने ये विनेगर। आप नींबू का रस भी ले सकते हैं, टाटरी से भी दूध को फाड़ा जा सकता है। विनेगर से इसलिए फाड़ रहे हैं ताकि अच्छा सा सॉफ्ट सा हमारा पनीर बनकर तैयार हो। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे, एक साथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इससे हमारा पनीर हार्ड हो सकता है। जितनी ज़रूरत होगी उतना भर ही हम इसके अंदर ये विनेगर वाला पानी डालेंगे। और ये देखिए दूध फटना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं आप, बट अभी पूरी तरह नहीं फटा है। थोड़ा थोड़ा कर और डाल देंगे पानी। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से दूध अलग हो चुका है, जो ये पनीर है ये अलग हो चुका है, और जो ये थी वाटर है, पानी है, ये अलग हो चुका है। अभी लेंगे एक बाउल और बाउल के ऊपर रखेंगे एक स्ट्रेनर। उसके ऊपर आप रखे कोई भी कॉटन का कपड़ा या मलमल का कपड़ा भी आप रख सकते हैं। मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, इसी के अंदर डालेंगे अब हम जो हमने पनीर बनाने के लिए, छेना बनाने के लिए दूध को फाड़ा है उसे डाल देंगे। अक्सर हम लोग मलाई से घी अलग कर लेते हैं और जो वेस्टेज बच जाता है उसे फेंक देते हैं, क्योंकि ये दूध के लायक भी नहीं होता कि आप इसे दूध की जगह यूज़ कर लें, क्योंकि वो बहुत ही पतला होता है। आप छाछ की जगह भी उसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई खटाई नहीं होती है। इसीलिए मैं आपके लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ कि जो चीज़ आप फेंकते हैं उससे आप बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी से इसे धो लिया है ताकि विनेगर की जो इसके अंदर खटास है वो निकल जाए। और अभी इसे हाथों से इतना भर निचोड़ेंगे जब तक इसके अंदर धार से पानी गिर रहा है, तब तक आपको इसे हाथ से दबाते हुए इसका पानी निकाल देना है। अभी से रख देंगे स्ट्रेनर के ऊपर और इसके ऊपर थोड़ा सा वजन रख देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर होगा वो निकल जाएगा। और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ देते हैं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो अपने आप ही नीचे स्ट्रेनर से निकल जाएगा। 10 मिनट के बाद इसे फिर से चेक करेंगे, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर गैस के ऊपर मैंने एक पतीले को रख दिया है, इसके अंदर डालेंगे 2 कप चीनी। 2 कप चीनी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमारा छेना है वो कम है, बहुत ज़्यादा छेना नहीं है, इसीलिए 2 कप चीनी
दो कप चीनी के अंदर मैंने 3 कप पानी डाला है। इसकी हमें चाशनी बनानी है, बिल्कुल चीनी के घुलने तक हमें इसे गर्म करना है, क्योंकि इसी के अंदर हम अपने रसगुल्लों को पकाएंगे। ये देखिए बॉईल आता है, तब तक हम अपने छेने को भी देख लेते हैं। छेना हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। किसी भी बड़ी प्लेट या थाली के अंदर आप लीजिए, बर्तन थोड़ा बड़ा लीजिए, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल अच्छे से मलना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए आपको लगातार इसे हाथों से मलना है, बिल्कुल स्मूथ होने तक, कोई दाना नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल स्मूथ होने तक आपको इसे अच्छी तरह से मलना है। हथेली की दाब से आपको इसका दाना ख़त्म करना है, बिल्कुल भी दानेदार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अच्छी तरह से मिलाते हुए बिल्कुल स्मूथ बना लेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल स्मूथ चिकना बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर मैंने दिया है आधा चम्मच अरारोट। 1 लीटर दूध के छेने के लिए आपको 1 चम्मच अरारोट लगेगा। यहाँ पर थोड़ा छेना था, इसके लिए मैंने आधा चम्मच अरारोट डाला है। अरारोट आपको कहीं भी मिल जाएगा, कॉर्नफ्लावर अरारोट कुछ भी डाल सकते हैं आप। अच्छी तरह से इसे भी मलते हुए बिल्कुल चिकना कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। और जैसे ही आप इसे मलते रहेंगे ना, ये 5 से 7 मिनट में बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, आपके हाथों से बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, ना आपके हाथों से चिपकेगा और ना ही प्लेट से चिपकेगा, बिल्कुल क्लियर डो फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए, और अभी इससे हम छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे, छेना बॉल्स, जिससे हम रसगुल्ले बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए बिल्कुल छोटे साइज के, क्योंकि मैं छोटे साइज के रसगुल्ले बना रही हूँ। ये आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े, जैसे आपको बनाना है आप वैसे ही बना सकते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे से बॉल्स, छेना बॉल्स हम बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे ही इसी तरह से बनाकर मैं साइड में रख लूँगी। देखिए बिल्कुल क्रैक फ्री होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बॉल्स आपकी बिल्कुल क्रैक फ्री होनी चाहिए। सारे ही बॉल्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ देखिए पानी में भी उबाल आ गया है, अभी इसके अंदर जो हमने छेना बॉल्स बनाकर रखे थे उन्हें डाल देंगे। सारे ही बॉल्स को डाल देंगे धीरे धीरे, एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, ताकि हमारा जो चाशनी का जो उबाल है उसके अंदर कोई फर्क ना पड़े। सारे ही छेना बॉल्स को इसी तरह से डाल देंगे और ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। आपको इसे ढक कर रख देना है, और 5 मिनट के बाद ये देखिए इसे चेक करते हैं, देख सकते हैं अपने साइज से डबल हो चुके हैं हमारे छेना बॉल्स, अपने साइज से बिल्कुल दुगने हो चुके हैं। इसे फिर से ढककर पकाएंगे। अगर आपको लगे कि चाशनी गाढ़ी हो गई है तो 2-3 चम्मच गर्म पानी डाल दीजिए। इसी तरह से इसे 20 मिनट तक आपको पकाना है, 17 से 20 मिनट का टाइम लगता है। और ये देखिए पककर तैयार हो चुके हैं। इस बात का आपको पता कैसे चलेगा? आपकी जो छेना बॉल्स है, जो रसगुल्ले हैं, वो नीचे चले जाएंगे, बिल्कुल नीचे नहीं, लेकिन जैसे ही आप डालेंगे शुरू में तो वो बिल्कुल ऊपर ऊपर तैरते आपको दिखाई देंगे, और जब पककर तैयार हो जाते हैं तो वो चाशनी में थोड़ा नीचे दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। और कलर में भी देखिए हल्का सा चेंज हो चुका है, जब आपने डाले थे तब बिल्कुल वाइट थे, और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल रसगुल्ले जैसे बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं हमारे रसगुल्ले, इन्हें ठंडा होने देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। ये देखिए अभी गर्म है, इन्हें ठंडा होने देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, इसके बाद इसे सर्व करेंगे। बहुत ही, ये देखिए कितने रसीले हैं, देख सकते हैं आप, अभी गर्म है बट बहुत ही रसीले बनकर, सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अभी ये देखिए 2 घंटे के बाद बिल्कुल रस से भरे हुए रसीले हमारे रसगुल्ले बिल्कुल तैयार हैं। अभी इन्हें कर लेते हैं सर्व, और ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आई होप वीडियो बहुत पसंद आई होगी, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।